हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसे आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लास्ट का एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की ये धार्मिक पुस्तक है। इसका नाम त्रिपिटक क्यों है? क्योंकि इसकी संख्या तीन है, जिसमें पहला तो है सुत पिटक, इसमें क्या बताया गया, महात्मा बुद्ध के उपदेश के बारे में बताया गया है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के नियम के बारे में बताया गया। और तीसरा है अधिधम पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, मौर्य समाज का सात वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और ये किया गया है मेगस्थनीस की पुस्तक इंडिका में। देखिए, कई कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंडिका बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मेगस्थनीस के द्वारा। देखिए, बात आती है मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य का किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, यहाँ कैपिटल कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र, जो कि आज का जो पटना है वो है, पहले पाटलिपुत्र था। यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज सब लोग जानते थे? तो संस्कृत था, प्राकृत था और मगधी था। तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा फाउंड किया गया था और पुस्तक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जिनका नाम फिहान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, रामगुप्त या श्रीगुप्त। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये चीनी यात्री थे, नाम इनका आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको से मैं डिस्कस करूंगी, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी। देखिए, जो विजयनगर है इसको हम लोग सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। ठीक है, ये जो हम्पी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया भारत में कागज का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। चीन ने किया था, कब किया था? ये किया था लगभग 220 ईसा पूर्व। ठीक है, बात आती है चीन की, तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ, यहाँ की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी शंघाई है और यहाँ के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं अभी कौन है? शी जिनपिंग। और जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर गद्दी पर कब बैठे थे, तो ये बैठे थे 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की गई थी, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा पूर्व के साथ व्यापार करने के अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, इस समय भारत में अकबर का शासन था और भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? 1608 में। ठीक है, और ये जहांगीर के टाइम में हुआ था। तो ये इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि 14 फरवरी 1556 में गद्दी पर बैठे थे अकबर, और इससे पहले कौन थे?
इससे पहले थे हुमायूं और अकबर के बाद कौन बैठे थे? जहांगीर। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर टॉम्ब कहाँ पर है, अकबर का टॉम्ब तो ये है आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ध्यान दीजिए, नहीं मिलाया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। देखिए, सिंध, अवध और सतारा को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, बट ग्वालियर को वो लोग नहीं मिलाए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? चार ऑप्शन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह या असहयोग आंदोलन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध के दौरान यह हुआ था आंदोलन। ठीक है, ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? चार ऑप्शन है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ठीक है, देखिए, जो संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मनी बिल के बारे में बताया गया है, और जो मनी बिल होता है ये लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और किसके, अगर ये मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष इसका डिसीजन लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा का मनी बिल से कोई लेना देना नहीं है, बट लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा के पास ये जाता है कुछ अमेंडमेंट के लिए। वहाँ पे राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है, अगर 14 दिनों में राज्यसभा बिल को पास नहीं करता है तो बिल वो पास माना जाता है। ठीक है, आर्टिकल आपको याद रख लेना है, 14 दिन का टाइम होता है राज्यसभा के पास, ये भी आपको याद रख लेना है, और लोकसभा में पारित होता है, और मनी बिल है या नहीं है इसका ये डिसीजन कौन ले सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकपाल। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। जब भी राष्ट्रपति आता है तो मैं आपसे हमेशा डिस्कस करती हूँ कि राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 35 एज मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, और 35 का आप लोग अगर अपोजिट कर दें तो ये हो जाता है 53, और इससे पहले आता है 52। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 53 और आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, और जो भारत के संविधान के पार्ट 5 में अनुच्छेद 124 यानी कि आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय के गठन में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन, वहाँ की स्वतंत्रता आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। ठीक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के पार्ट 3 में ये बात बताई गई है। ठीक है, कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर बात की जाएगी लोकसभा की तो मिनिमम एज है 25, अगर बात की जाएगी राज्यसभा की तो वहाँ पे एज होती है 30। ठीक है, भारत में संसद के दो सदन होते हैं, आपको पता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है,
और आर्टिकल 84 के पार्ट सेकंड में बताया भी गया है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए मिनिमम एज 25 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, कब रिटायरमेंट लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो ये होती है मिनिमम एज कितनी, 65। ठीक है, 65 के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। मिनिमम एज का भी मैंने यूज़ किया, मिनिमम एज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 65, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इससे पहले क्या था, इससे पहले योजना आयोग था। ठीक है, बात आती है नीति आयोग की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और CEO कौन है, अमिताभ कंत। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, हेडक्वार्टर दिल्ली है, आप लोग याद कर लीजिएगा, चेयरमैन हमेशा पूछे जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, चार ऑप्शन है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोद मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जलोद मिट्टी जो होती है या जलोद मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, और भारत का अगर बात की जाए तो 40% एरिया में आपका ये जलोद मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और ये इनके दो टाइप हैं, एक होती है नवीन जलोद जिसको हम लोग खादर भी कहते हैं और एक होती है प्राचीन जलोढ़ जिसको हम लोग बांगर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि केरल के अभी प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनराई विजयन है, यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है और एक एडिशनल लैंग्वेज है ये है इंग्लिश, और यहाँ की कैपिटल है तिरुवंतपुरम। ठीक है, और कुछ और भी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, देखिए यहाँ पे स्टेट फ्रूट कौन सा है, जैक फ्रूट जिसको हम लोग कटहल कहते हैं, स्टेट ट्री कौन सा है, कोकोनट है, और बर्ड कौन सी है, यह है ग्रेट हॉर्नबिल, और यहाँ पे जो है एलिफेंट जो है स्टेट एनिमल है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है किसको, ये तो आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके डिस्टेंस आपको बता सकती हूँ, इसके डिस्टेंस है 1620 किलोमीटर जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो आपको बताना ये कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है, डिस्टेंस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, चार ऑप्शन है, तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन या लौह अयस्क खनन, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा खनन। इसके राजस्थान स्टेट से रिलेटेड भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, ये हैं सचिन पायलट, गवर्नर है यहाँ पे कल्याण सिंह। ठीक है, एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ की लैंग्वेज है हिंदी और एक एडिशनल लैंग्वेज भी है आपका इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे जो डांस है, स्टेट डांस है, ये है घूमर, और स्टेट एनिमल है आपका कैमल और चिंकारा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ की कैपिटल है जयपुर और लार्जेस्ट सिटी भी यहाँ की है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की अनाउंसमेंट घोषणा कब की गई थी, देयर इज फोर ऑप्शन गिवन, ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, 1922, 1924, 1928 या 1930। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात आती है तो मैं हमेशा आपसे डिस्कस करती हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी तो ये थी सरोजनी नायडू। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 1924 में, और ये हुआ था कहाँ पर, बेलगांव में, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है तो वेवेल जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे सर क्लेमेंट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। इनमें सदस्य कौन कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन आई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। तो जो सदस्य थे ये भी आपको देख लेने हैं, कभी एग्जाम में कई बार पूछा गया, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये सभी सदस्य थे, वेवेल ये सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। चार ऑप्शन है, वॉरेन हास्टिंग, विलियम बैंटिंग, कॉर्नवालिस या कर्जन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, सती प्रथा को गैर कानूनी विलियम बैंटिक ने किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वर्ष 1829 में नियम 17 के द्वारा, ठीक है, एक रूल आया था, उसका नाम था रूल 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। राजा राम मोहन राय की भी इनमें बहुत अहम भूमिका थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।